मैंने कहा ना फौरन नीचे चले आओ। नहीं, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आज से पहले मैं इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूदा। मैं नहीं देख सकता। तो जंगल वालो, मैं आ रहा हूँ। बबली, संभल कर, मैं बचा लूंगा तुम्हें। देखा बलू, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तुमने देखा मैं कितनी तेज उड़ा था ना। उड़े कहाँ थे, तुम तो सिर्फ कूदे थे मोगली। ठीक है, पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम्हें इसकी खुशी होगी। बातों को मत पलटो, मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह अपनी जिंदगी खतरे में डालो। ये बहादुरी नहीं, ना समझी है। अब तुम्हें भी मैं एक ना समझ लड़का ही लगता होगा, है ना? नहीं, पर बलू ने बात तो एकदम सही की मोगली। अच्छा बगीरा, तुम्हें क्या लगता है जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है? ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही जानने के लिए। ऐसी बातें बलू को पता होती है, उसी से पूछो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो अभी बिजी होगा, और किसी को पता होगा? शायद हाथी को होगा, वो इस जंगल का सबसे बूढ़ा जानवर है, हो सकता है उसे। मोगली कहाँ जा रहे हो? एलिफेंट मार्च की तरफ। और कहाँ? हाथी को ढूंढने। बलू को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। मोगली कहाँ जा रहे हो दोस्त? अब बन सकते हैं हमारे स्पेशल मेंबर। मेंबर क्या? हमने पावर किड्स को सब्सक्राइब कर रखा है और हमें जंगल बुक के हिंदी कहानियाँ और दूसरे वीडियोस अच्छा लगते हैं। But we have more. हमारे पास उससे भी ज्यादा और भी बहुत कुछ है। क्या बलू, तुम बताओ। हमारे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे चैनल पर भी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सक्लूसिव और स्पेशल हैं। जैसे जंगल बुक सीजन 3 की हिंदी कहानियाँ और जंगल बुक सफारी की कहानियाँ हिंदी में, और भी बहुत कुछ। शेर खान, तो मेंबर बन जाए। क्यों नहीं, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे लॉयल्टी बैजेस, इमोजीज, अर्ली एक्सेस टू वीडियोस। आप हमारी प्राथमिकता बन जाओगे। शेर खान, मेंबर बन जाते हैं ना प्लीज। तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो मुझसे बात भी क्यों करते हो? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टबाकी? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें है। बोलो तो मदद कर दूं। मदद? पर किस मामले में? जिसमें तुम कहो। चलो जहाँ जा रहे हो वहीं कुछ कर लूंगा। मैं एलिफेंट मार्च जा रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है। हाथियों के पास लंबी सूंड वाले बदबूदार जानवर, उनसे दूर रहा करो, कहीं तुम पर पैर रखकर पिचका ना दें। चलो ये तो पता चल गया कि तुम बहादुरों में नहीं हो टबाकी। अब पता नहीं ये मोगली कहाँ चला गया। शायद उस मगरमच्छ से भिड़ने गया होगा, या फिर शेर खान से उलझने, ताकि अपनी शान दिखा सके। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो बलू, वो सिर्फ खुद को टेस्ट ही कर रहा था। हाँ बघीरा, उसी बात का तो मुझे डर है। डर किस बात का? किसी भी जीव के लिए वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है, इंसान के लिए भी, जब वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं। एलिफेंट मार्च तो यही है, पर यहाँ कोई हाथी क्यों नहीं दिख रहा? माफ करना। बोलो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाथी? मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। पेड़ पर? भला मैं पेड़ पर कैसे मिलूंगा? तुम यहाँ क्या करने आए हो मोगली? मुझे हाथी से कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। ये बताओ, जंगल में सबसे बहादुर जीव कौन है? मुझे तो मैं लगता हूँ। बड़े बहादुर हो जो खुद की बहादुरी की तारीफ कर रहे हो। कैसे पता तुम सबसे बहादुर हो? क्योंकि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। पर डरना तो जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि बहादुर वही होता है जो डर पे जीत पाता है, और अगर तुम डरोगे ही नहीं तो बहादुर बनने की गुंजाइश भी कहाँ बचेगी। मैं कुछ समझा नहीं। समझना आसान है, वो ढूंढो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो मोगली, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बहादुर हो। मुझे फिक्र हो रही है बघीरा, मोगली ने जाने से पहले कुछ बताया था? वो मुझे बताया था। और तुमने मुझे बताया नहीं? अब जल्दी से बताओ बघीरा, वो कहाँ है? वो एलिफेंट मार्च गया है। क्या?
वो तो बस जंगल का सबसे बहादुर जानवर ढूंढना चाहता था, अब वो हाथी से पूछने गया है। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया, वैसे गलती मेरी ही है, मैं हमेशा उस पर गुस्सा करता हूँ। अरे मोगली को कुछ भी नहीं होगा, घबराओ मत, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। हाथी ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया, वो जंगल में सबसे बूढ़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जंगल में सबसे होशियार भी है। उससे तेज तो मेरा दिमाग है, और क्या, मैं जंगल का सबसे तेज दिमाग और सबसे बहादुर। हाथी, तुम ऊपर हो क्या? कोई बाहर है क्या? बलू, कोई है? मोगली, अब हाँ, वो यहाँ आया था पर जल्दी ही निकल गया। अच्छा, इतना बता दो, जाते वक्त वो किस तरफ निकला था? अरे हाँ हाँ, हाथियों को भी सब याद रहता है। तो बताओ किस तरफ? उस तरफ। शुक्रिया हाथी। रुको जरा, नहीं नहीं, इस तरफ, पक्का कह रहा हूँ, इस तरफ गया है। अरे मुझे पहले ये सोचने दो, उस वक्त मैं किस तरफ खड़ा था? एक मिनट, अब पहले मैं सीधा था, फिर मैंने जगह बदली और किससे पूछ लिया बलू? मेरी याददाश्त भले कमजोर हो गई हो, पर कान बहुत तेज है बगीरा। अब माफ करना हाथी। वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। या तो बलू आएगा, या बघीरा, या बाला, या लाली, या फिर हो सकता है वो। हाँ, इंसानी बच्चे, अंदर तुम ही हो क्या? मैं हूँ टबाकी। टबाकी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो, जिंदगी में कभी तो तुम मुझसे खुश हुए, चोट लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ गीला और फिसलन है, एक बेल फेंकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी फेंकता हूँ। रात भर ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला। हमें पता लगा नहीं होगा आखिर वो कहाँ गया, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे ढूंढेंगे। हाँ सही कह रहे हो। टबाकी! हाँ हाँ, आ गया, पकड़ो। रुको, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ है ना? वो अगर मैं हाँ कहूँ तो? तो फिर तुमने मुझे गिरते हुए भी देखा होगा, है ना? और तो और, तुम मुझे रात में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अरे नहीं मोगली, मैंने तुम्हें गिरते नहीं देखा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अंदर फंसे हो, वो तो मुझे तुम्हारी महक आ गई थी। और एक बात कहूँ, तुम्हारा पसीना बहुत बदबू मारता है। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई ना टबाकी। अब तो तुम ये बोलोगे कि मैं यहाँ शेर खान को भी बुला कर लाया हूँ। जो सोचना है सोचो मोगली, तुम्हें अपने पुराने दोस्त टबाकी पर भरोसा नहीं है ना? नाश्ते के सही वक्त पर आए हो इंसानी बच्चे, तुम्हारा कीमा बनाता हूँ और उसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। शेर खान, बचाओ! मोगली, गरजने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा खाली पेट दहाड़ रहा है। Ah!
अब मैं सो नहीं रहा था। और मैं भी नहीं। बलू, बघीरा। तो तुमने पता लगाया जंगल में सबसे ताकतवर कौन है मोगली? हाथी सबसे बहादुर है और सबसे होशियार भी। ये नहीं होता तो मैं आज शेर खान का नाश्ता बन जाता। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डर गया था, पर अब कम से कम ये तो पता चला कि तुम क्या समझाना चाहते थे। अपने डर के बारे में जानना जरूरी है। अब समझे, और तुम भी कम बहादुर नहीं हो मोगली। रात भर तुम कुएं के अंदर ही अकेले रहे, उसके बाद शेर खान का भी सामना किया, इसमें बहादुरी तो लगती ही है। शेर खान से याद आया, लगता है आज उसने अपना सबक सीख लिया, और साथ ही उस गीदड़ तबाही। क्या कहते हो, उसे कुएं से बाहर निकाला जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर जब उसका सही वक्त आएगा। शेर खान, बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना। पहाड़ी इलाके में आग लग गई है, वहाँ के जानवर खतरे में हैं। पूनिया भी पहाड़ी में रहती है, वो तो बहुत डर गई होगी। अगर आग बढ़ गई तो जंगल के जानवरों को खतरा होगा। चील, तुम आग पर नजर रखोगे और हमें बताते रहना कि आग कितनी बढ़ रही है। और पूनिया को भी देखना। चलो हम जाकर फंसे हुए जानवरों की मदद करते हैं। मिलेगा खाना? जल्दी चलो बघीरा। अरे नहीं, ये तो पूनिया है। बेचारी पूनिया, इसे चोट तो नहीं आई? इसके शरीर पे चोट के कोई निशान नहीं दिख रहे। लगता है आग से बचने के लिए भागते भागते बेहोश हो गई। मैं कहाँ हूँ? सुरक्षित जगह पे हो पूनिया। घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त। वैसे मैं इसे अकेला खा सकता हूँ, पर अगर शेर खान को इसे नाश्ते में दिया तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि शेर खान मेरे हफ्ते भर के लिए हड्डियों का इंतजाम कर देगा। पहले मुझे लालच दिखाया और अब बता रहा है उस पिद्दी के आसपास मोगली और उनके दोस्त भी हैं। तो क्या हुआ, उन्हें तो मैं आसानी से भगा दूंगा। जब भगा दो तब बता देना, वरना मैं अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। मुझे दो, ये मेरा है। मुझे चाहिए। मुझे मिला था। नहीं, मुझे छोड़ो, चाहिए। छोड़ो। राबा, चंपा, चुप रहो। सुनो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी आग से बचने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए जकाला? आग नदी में कभी नहीं लगती। दे दो ना, मेरा है। और ये दो शैतान यहाँ से फूट जाए तो मुझे शांति मिलेगी। जब देखो चढ़ते रहते हैं। दे दो मुझे। ओ
बेचारे मगरमच्छ के बच्चे, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अरे क्या बुरा हुआ था? ओ, ग्राबा और चौंपा गायब हो गए हैं। जकाला उन्हें ढूंढने निकला है और वो बहुत परेशान भी था। मैं जाकर मदद लाती हूँ। बेवकूफ चिड़िया कहीं की हर बात पे यकीन करती है। बलू, ये तो बहुत देर से सो रही है, अब तक नहीं उठी। घबराओ मत मोगली, जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। बलू, जकाला, उसके दो बेटे खो गए हैं और वो उन्हें ढूंढने भी निकला है। आग के साथ ना जाने कितनी मुश्किलें आएंगी। मोगली, तुम यहीं पोनिया के साथ रुको, बघीरा और मैं जाकर जकाला की मदद करते हैं। मोगली को भी अपने साथ ले जाओ ना, ताकि वो छुटकी वहाँ अकेली छूट जाए। पानी भी खत्म हो गया है, पोनिया के उठने से पहले तुम पानी ले आओ मोगली। अभी लेकर आता हूँ। आज तो किस्मत अच्छी है। मोगली, मोगली, मोगली। हेलो, किसे ढूंढ रही हो? मैं कुछ मदद करूं? मैं मोगली को ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है वो कहाँ है। सच में? हाँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, आओ मेरे साथ। तुम कितने अच्छे हो। ओ हाँ, सब यही कहते हैं। पोनिया, पोनिया, पोनिया! उसे आसपास के इलाके के बारे में कुछ नहीं पता। इतने बड़े जंगल में पता नहीं वो कहाँ गई होगी। वो मेरा है, मेरा है। मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा। वो मेरा है। ओह, तो तुम्हें गजलर और चौंपा मिल ही गए हैं ना? मिल गए मतलब? ये तो यही है, दिमाग खा रहा है शैतान के नाना। कुछ गड़बड़ है बघीरा। चलो बलू, लगता है मोगली और पोनिया की जान खतरे में है। जल्दी आओ, कहीं खो मत जाना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। आखिरकार खतरा टल गया। पोनिया! चील! एक मुसीबत आई है, पोनिया कहीं दिख नहीं रही। अगर मुझे दिखेगी तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। शुक्रिया चील, मैं तुम्हारे इशारे का इंतजार करूंगा। वो दोनों ही गायब हैं। हमें फंसाया गया है और मैं जानता हूं ये किसका काम है। जाओ उसके पास। ओहो, इतना भी मत शर्माओ, वो तुम्हारा मुंह खोल के स्वागत करेगा। ये तो चील का इशारा है और वो शेर खान के इलाके से आ रहा है। मुझे जल्द ही वहां पहुंचना होगा। जाओ। अगर आगे बढ़ा मोगली तो कच्चा चबा जाऊंगा। उस नन्ही सी जान को छोड़ दो शेर खान, उसके बदले मुझे खा लो। क्यों ना मैं तुम दोनों को ही हजम कर लूं बरखुरदार। हटो यहाँ से बेवकूफ। रुक जा। क्या बात है जी? पोनिया वैसे भी बहुत छोटी है, तुझे ही खा लेता हूँ। सिद्धि बन गया नहीं तेरा? ये नमूने कहाँ से आ गए? लेकिन याद रखना, मेरा वक्त जरूर आएगा।
आज तूने हद पार कर दी गीदड़। तुमने जानबूझकर उस मासूम जानवर को उस दरिंदे के हवाले कर दिया। शेर खान ने कहा था वो मुझे पांडा के बदले हड्डियाँ देगा। तेरी इतनी हिम्मत, आगे से ऐसा सोचना भी मत। तो इतना कह रहा है तो ठीक है, बता इंसानी बच्चे कैसे करना है जॉइन। बहुत आसान है, इस वीडियो के नीचे नीले रंग में जॉइन टैब है, बस उस पर क्लिक करें। या पावर किड्स यूट्यूब होम पेज पर सब्सक्राइब बटन के बगल में ब्लू जॉइन बटन है, आगे बढ़े उस पर क्लिक करें और अपनी मेंबरशिप प्लान चुनें। आज ही मेंबर बने और टीम पावर किड्स का हिस्सा बने और देखें एक्सक्लूसिव और स्पेशल कहानियाँ सबसे पहले। क्या तुम पोनिया को सुरक्षित उसके घर छोड़ दोगे? वरना वो तबाकी फिर से उसे बहका सकता है। ओ मोगली, अच्छा तुम खाने के लिए कुछ ले आए, मुझे भूख लगी थी। देखो मैं ये लाया हूँ। लग जाओ काम पे चील। मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। हम जल्द ही मिलेंगे पोनिया। बाय बाय। ये है जंगल, वो यही है जंगल।